सियासत ऐसी है कोई कभी जीतता है कोई कभी हारता है लेकिन कुछ लोग लगातार चुनाव जीतते हैं उनको राजनीति का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की राजनीति में ऐसे ही एक बड़े खिलाड़ी जिनका नाम जीएस बाली जो वीरभद्र सिंह की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे कई इल्जाम लगे विकास के उन्होंने बहुत सारे दावे किए कोई उनको दबंग मानता है कोई उन्हें अपने कार्यकर्ताओं का हित साधने वाला ऐसे में सबकी नजर थी कांगड़ा जिले की नगरोटा सीट पर जहां से जीएस बाली चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें कभी वीरभद्र के खास रहे अरुण कुमार कुका ने जीएस बाली को एक हजार तो बिल्कुल है है। तीन बिंदी लग गई एक कड़ा दो बिंदी सौ एक कड़ा तीन बिंदी हजार हमारे यहां ऐसे ही गिनती सिखाते थे जब सौ आता था तो बड़ा धप्पा टाइप का फील आता था कि वहां तक तो गिनती पहुंच गई चार बार से विधायक थे जीएस बाली कई बार करीबी अंतर से चुनाव जीते और हमारे जो ड्राइवर साहब थे हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान परवीन वो भी यहीं पे कांगड़ा के रहने वाले थे और वो बड़ी कहानियां सुनाते दीजिए इस बाली की साहब इतना इतने लाख का केक काटते हैं ये करते हैं वो करते हैं राम जाने कहानियां सही हैं गलत हैं लेकिन लोग क्या सोचते हैं ये बहुत अहम है यहाँ पे जब बाली चुनाव हारे तो उन्होंने ये मांग की कि वी, -वी पैट की गिनती की जाए ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें इसके चलते नगरोटा की सीट पर रिजल्ट में देरी हुई लेकिन उसके बावजूद बाली को हज़ार वोटों से हारा हुआ डिक्लेयर किया गया ये जो फूलमालाओं से लदे नज़र आ रहे हैं ये अरुण कुमार कूका हैं और अरुण कुमार कुका की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है पिछली बार ये निर्दलीय लड़े थे वीरभद्र के सहयोग से और इन्होंने तगड़ी चुनौती दी थी और तब भी बाली ने अरुण कुमार कुका को दो वोटों से हराया था इस बार भारतीय जनता पार्टी ने होशियारी दिखाई और अरुण कुमार कुका को अपने पाले में ले आए कुका व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं नगर परिषद के दो बार उपाध्यक्ष और पार्षद रह चुके हैं और शहरी इलाकों में इनकी अच्छी पकड़ है ये जी एस वाली आपको नजर आ रहे हैं इनके भी गलों में फूलमालाएं हैं गले में लेकिन ये फूलमालाएं चुनाव प्रचार के दौरान की हैं फूल सूख चुके हैं और माला मिलेगी नहीं क्योंकि चुनाव हार गए क्या बड़े फैक्टर रहे कांग्रेस की गुटबंदी वीरभद्र खेमा इनका विरोध करता था कहा जाता है कि इनको हराना चाहता था हालांकि ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहा होगा वीरभद्र अपने कई लोगों को नहीं जितवा पाए मसलन कांगड़ा की धर्मशाला सीट से सुधीर शर्मा और सुखविंदर सुखू भी चुनाव जीत गए दूसरा बालिक खिलाफ तगड़ा एंटी इनकम्बेंसी था उनके खिलाफ इस तरह के इल्जाम लगते रहे कि उन्होंने कार्यकाल में खूब पैसा बनाया और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जो भर्तियां की गई उसमें भी गड़बड़ी का इल्जाम लगता रहा और कुमार कुका लगातार नगरोटा और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय रहे जबकि जो जीएस बाली हैं वो शिमला की भी राजनीति करते रहे और लोकल एरिया में लगातार सक्रिय रहने का फायदा उनको मिला तो ये एक कांग्रेस के हैवी वेट हैं जिनको पटकनी देने में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हुई करीबी रहा हजार से कम का अंतर रहा हालांकि हिमाचल प्रदेश के लिहाज से 500 से ऊपर का अंतर भी बहुत करीबी में नहीं गिना जाता है कई बार गुजरात में भी हम देख रहे हैं कई सीटों पर हज़ार के पल्ले पल्ले जीत का फासला है आपने पिछले डेढ़ दो महीने में लगातार हमारी हिमाचल प्रदेश की चुनावी यात्रा को देखा इकलौता ऐसा मीडिया संस्थान हम बार बार कहते हैं गर्व से कहते हैं आपके भरोसे के चलते कहते हैं जिसने हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात चुनाव के मद्देनज़र किसी किस्म का सौतेला व्यवहार नहीं किया हर ज़िले में गए और वहां की ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू करवाया और हिमाचल में अपना दायित्व पूरा करने के बाद ही हमने अपना पड़ाव गुजरात में डाला अगर आपको हिमाचल प्रदेश की ललन टॉप की चुनावी यात्रा पसंद आई है तो अपनी राय लिखकर हमें इसके बारे में बताइए अगर अब तक आपने दी ललन टॉप का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए जल्दी से कर लीजिए फेसबुक पे अगर पेज लाइक करने से अभी तक छूट गया है तो वो काम भी कर लीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए क्योंकि इससे हमारे आपके बीच का संवाद जो है वो एक नहीं रहता है हमें भी पता चलता रहता है कि हमारे प्रिय दर्शक क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में भी और ललन टॉप के बारे में भी शुक्रिया दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें